नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मल्टीपल इंटेलिजेंसेज के ऊपर। आखिर मल्टीपल इंटेलिजेंसेज होती क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा हर फील्ड में सबसे आगे रहे। हर माँ बाप के अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन हर बार हर फील्ड में हर बच्चा अपनी माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाता। आखिर क्यों? इसका कारण है मल्टीपल इंटेलिजेंसेज। दोस्तों, हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर 8 तरह की अलग अलग इंटेलिजेंसेस होती हैं, और कौन सी इंटेलिजेंस डोमिनेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। आइए जानते हैं इन 8 इंटेलिजेंसेस के बारे में। पहली इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसके मुताबिक जिन बच्चों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है या डोमिनेंट होती है, वो बच्चे मैथमेटिक्स में और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत आगे होते हैं और टेक्निकल फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिन बच्चों में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, वो बोलचाल में, पढ़ने में, रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग और डिस्कशन में बहुत अच्छे होते हैं। अगली इंटेलिजेंस है विजुअल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर इस इंटेलिजेंस का डोमिनेंस होता है, वो लोग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, दुनिया में एक्यूरेसी ढूंढते हैं, परफेक्शन ढूंढते हैं, और ऐसे लोग ड्राइंग में, पजल सॉल्विंग में, पिक्चर्स बनाने में, डिज़ाइनिंग में, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में, सोच में बहुत अच्छे होते हैं। अगली इंटेलिजेंस है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं, जिनके अंदर ये डोमिनेंट होती है वो लोग म्यूज़िकल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। उनकी साउंड वेव्स की समझ बहुत ज़बरदस्त होती है और ऐसे लोग बहुत अच्छे सिंगर्स, म्यूजिशियंस या बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर बनते हैं। हमारी नेक्स्ट इंटेलिजेंस है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऐसे लोग अपनी बॉडी को लेकर के बड़े सजग होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, और ऐसे लोग बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड प्रोफेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, डांसिंग और किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटीज़। अगली इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर इसका डोमिनेंस होता है, वो लोग अपने आप को लेके बड़े सजग होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। ऐसे लोग अपने लिए अपने मुताबिक एक अच्छा सा गोल चूज़ करते हैं और फिर उस गोल को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर इस चीज़ की डोमिनेंस होती है, वो लोग व्यवहारिक तौर पे बहुत कुशल होते हैं और अच्छे लीडर बन सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टॉप लेवल पे जा सकते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये अच्छे सेल्समैन, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बहुत अच्छा करवाते हैं। दोस्तों, अगली इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसके प्रभाव में आए हुए लोग नेचर से, पर्यावरण से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोगों को नेचुरल जगहों पे जाना बड़ा पसंद होता है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है। ये लोग गार्डनिंग और एनिमल रेयरिंग में बहुत सुकून फील करते हैं और हर चीज़ के ऊपर इनका जो एक्शन होता है वो नेचर रिलेटेड होता है। दोस्तों, ये जानने के बाद कि 8 तरह की इंटेलिजेंसेस क्या होती हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम पता कैसे करें कि हमारे बच्चों में कौन सी इंटेलिजेंस डोमिनेंट है। तो दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है DMIA, यानी डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस। दोस्तों, ये एक 100% साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा टेस्ट है जिससे आप अपने बच्चों की डिफरेंट इंटेलिजेंसेस के कॉम्बिनेशन को जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट करियर चूज़ कर सकते हैं जिसमें वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस करवाएं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। दोस्तों, चलने से पहले एक और बात कहूँगा। इस चैनल पे हम आपके बच्चों के करियर से रिलेटेड बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन लाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुँचे, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। दोस्तों, एक चीज़ और कहूँगा, जानना चाहूँगा कि आपकी क्यूरोसिटी किस चीज़ के ऊपर है। आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, कृपया करके कमेंट में बताएं, सो दैट हम अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।